नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ट्रिगो हम कर रहे थे आज की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन हम देखने वाले हैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से समय ज्यादा बर्बाद नहीं करके पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये ठीक है ये आपको दे रखा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आपको बताना है अब मेन बात पता है क्या है ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि अगर आपने पहले से कर रखा है तो तो क्वेश्चन हो जाएगा अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसके अंदर करना क्या है आइए ये देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले मैं इसे लिखता हूं कॉस सिक्स एक्स प्लस सिक्स कॉस फोर एक्स को मैंने लिख दिया कॉस फोर प्लस फाइव कॉस फोर अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगेगा इसे ऐसे लिखना है मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा मुझे यहाँ कॉस्ट फाइव एक्स दिख रहा है फाइव कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा के बनाना है तो एक छः है तो दूसरा चार लेना पड़ेगा तो मैं इनको लूंगा तो नीचे वाला कॉस फाइव बन सकता है ठीक है ऐसे मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है टेन कॉस एक्स टेन मेरे को यहाँ दिख रहा है अगर मैं इसमें से भी टेन कॉमन ले लूँ फाइव इसके साथ आ जाएगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ प्लस टेन कॉस टू एक्स प्लस वन इसे मैंने एज इट इज लिख दिया नीचे क्या है कॉस फाइव प्लस टेन कॉस वन ठीक है कॉस एक्स है कॉस एक्स लिख लेता हूं वन की जगह ठीक है अब मेन बात यह है कि क्या आपने इस तरीके क्वेश्चन पहले देखा है अगर पहले देखा है पहले किया है तो फिर भी एक चांसेस है तब भी कि वो हो जाए एग्जाम में ऐसा नहीं है तो भी पक्का हो जाए अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये है से से मैं 4x ले मैं 4x ले ले लेता लेता ठीक अगर एक तो ये कॉस फाइव एक्स बन सकता है ठीक है बचेगा क्या फाइव कॉस फोर एक्स अब फाइव कॉस फोर एक्स है फाइव अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ कॉस फोर एक्स के साथ क्या चाहिए, 2x चाहिए। तब जाके कॉस थ्री एक्स वाला बनेगा तो मैंने देखा कॉस टू एक्स वाला और ले लिया मैंने इसमें थे, पर फाइव के साथ क्योंकि इसमें भी फाइव था ठीक है इसके साथ क्या बच गया टेन बच गया टेन टू एक्स प्लस करता हूं फाइव एक्स इंटू कॉस छ माइनस चार दो बटा दो यानी एक्स ठीक है ये आ जाएगा साथ में टू भी आएगा ये फाइव है अब मैं इसे देखता हूं फाइव कॉस फोर प्लस कॉस टू कॉस थ्री एक्स आ गया ठीक है इन टू कॉस चार माइनस दो अपॉन दो दो आ गया कॉस एक्स आ गया साथ में ये दो से भी गुणा होगा दो से गुणा होने का मतलब है ये दस हो जाएगा ठीक है प्लस टेन ठीक है प्लस टेन अगर मैं करता हूं ध्यान से देखिएगा प्लस टेन अगर मैं करता हूं कॉस टू एक्स प्लस वन कितना होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया और नीचे आ गया आपका कॉस फाइव प्लस फाइव कॉस थ्री प्लस टेन कॉस एक्स ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं अगर मैं ऊपर वाले में से टू कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ ठीक है बचेगा क्या टू कॉस एक्स कॉमन लिया कॉस फाइव प्लस फाइव कॉस थ्री प्लस टेन कॉस एक्स वही बचेगा जो नीचे है कॉस फाइव प्लस फाइव कॉस थ्री प्लस टेन कॉस एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर ये वैल्यू आ गई टू कॉस एक्स अगर 1 है ठीक है तो कॉस एक्स की वैल्यू वन बाई टू हो गई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटी डिग्री हो गई तो सिक्सटी डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है सी 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 चलिए उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ठीक है देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर केवल और केवल फॉर्मला लिखा है ठीक है मैंने आपसे बोला ध्यान से देखिएगा मैंने आपसे बोला कि भाई इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है एग्जाम में मिले पहली बात पर मिल सकेंगे कुछ परसेंट चांसेस हैं पर अगर मिलता है मेरा मानना है कि आपको एक आदत ऐसी डाली जाए कि चीज अगर कंबाइंड करके लिखी भी उसे तोड़ के लिखना इस ये एक सोच आपके पास होनी चाहिए कि जिस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है मैंने देखा फाइव एक्स। तो के साथ अगर मैं एक चार वाला ले लेता हूं तो फाइव एक्स वाली क्वांटिटी मिल जाएगी मेरे को मेरे को ये मिल गई ठीक है अब पांच बार बच गया यहां पर नीचे क्या है फाइव कॉस थ्री एक्स फाइव कॉस फोर एक्स मेरे पास है अगर फाइव कॉस टू एक्स भी मिल जाए तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मला लगा के थ्री वाला भी मिल जाएगा इसलिए मैंने क्या करा कॉस टू वाला भी इसके साथ ले लिया पांच बारी में दस बार बच गया दस बार जो बचा वो इसके साथ आ गया इधर फॉर्मला लगाया डायरेक्ट ये आ गया इधर फॉर्मला लगाया ये आ गया इधर फॉर्मला लगाया ये आ गया टू कॉस एक्स कॉमन लिया बचा ये अब ऊपर नीचे वाला पूरा कट जाएगा कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऊपर और नीचे वाले कटने वाले पार्ट बड़े बड़े सीधा सीधा कट जाएंगे ये एक सोच देनी थी आपको ठीक है चलिए तो ये था आपका पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ठीक है जिसको बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार दोबार से देखिएगा बस मैंने लिखने में ऐसा लिखा है इसे अगर मैं कॉस कॉस लिख दूंगा तो आपको थोड़ा फेमिलियर लगेगा बस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड रुक जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थीटा इक्वस टू तो थ्री बीटा साइन थीटा इक्वस टू तो ये ए कॉसैक बीटा माइनस बी सैक बीटा इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है ठीक है ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखना है साइन थीटा यानी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है साइन थ्री बीटा की वैल्यू कितनी आ गई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यही मैं आपसे कॉस थ्री बीटा की पूछता तो क्या आती यहां पर बी आ जाता यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए जाती। ध्यान से देखिएगा आप सभी बहुत ध्यान से देखना है अगर मैं ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देता हूं सबसे पहले ये क्या चीज है ये देखिए ए अपॉन साइन बीटा माइनस बी अपॉन कॉस बीटा तो ए कॉस बीटा माइनस बी साइन बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा ये चीज है ये है ना अब बहुत ध्यान से देखिएगा आगे ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन थ्री बीटा कॉस बीटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया ऐसे माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूं कॉस थ्री बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क् साइन बीटा अपॉन क्या आएगा साइन बीटा कॉस बीटा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इस तरीके का अगर ध्यान हो आपको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी यानी साइन टू बीटा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्या है साइन टू बीटा और ये क्या है नीचे साइन टू बीटा अपॉन टू तो टू पर आ जाएगा इससे ये कटेगा बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है तो बी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ते हैं आगे

ठीक है, भाई साइन टू बीटापॉन टू ये देखिए ना साइन टू थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहां पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आइए ध्यान से देखते हैं बहुत ध्यान से देखना है सभी को एक ऑप्शन है आपके सामने ठीक है दो तरीके से ये हो सकता है। पहला तरीका कि अगर मैं ट्रिपलेट ऑब्जर्व करूं तीन चार के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है पांच का मेरे को एक बटे पांच लाना है अगर ये चार बटे पांच हो जाए और ये तीन बटे पांच हो जाए माइनस का तो ये एक बटे पांच आ सकता है पर पहले से ऐसी सोच दिमाग में होनी चाहिए पेपर में अचानक क्लिक नहीं करेगी जब तक आपने पहले काम नहीं कर रखा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई तो टेन थीटा की कितनी आ गई चार बटे माइनस तीन ये टेन थीटा हो गया ठीक है तो आंसर क्या आ गया आंसर मेरा ए ऑप्शन आ गया ठीक है कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए जल्दी से चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक तरीका ये है देखिए सबसे पहली बात चारों ऑप्शन देख के मेरे को यह पता लग रहा है कि ट्रिपलेट पे बेस क्वेश्चन है तीन चार पांच पे पर क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का भी हेर फेर है है ना प्लस माइनस का भी हेर फेर है? आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ठीक है कि दो ऑप्शन में माइनस है दो में प्लस है और मेरे को एक बटा पांच लाना है अब देखिए मेरे को तीन चार पांच का ट्रिपलेट तो पता है अब मुझे ये पता है कि टे, टेन थीटा जो है या तो तीन बटे चार हो सकता है या चार बटे तीन पर अपॉन बेस होता है उसमें पांच सौ नहीं आ सकता पांच वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है ठीक है साइन थीटा और कॉस्ट थीटा दोनों में ही पांच आएगा यह भी मुझे पता है और बाकी बचा हुआ क्या है चार और तीन तो मैंने देखा चार में से अगर तीन को घटाया था तो एक आएगा तो इसलिए मैंने प्रेडिकट कर लिया कि साइन थीटा चार बटे पांच होना चाहिए कॉस् थीटा माइनस तीन बटे पांच होना चाहिए तब जाके ये सेटिस्फाई हो जाएगा ठीक है दूसरा तरीका ये है कि आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं स्कोयिंग करते हैं दोनों साइड तो साइन थीटा प्लस, थीटा वन हो गया, प्लस टू थीटा थीटा, किसके बराबर आ गया माइनस चौबीस बटे पच्चीस के ठीक है ये आ गया अब साइन टू थीटा का मैं फॉर्मूला लगा दू यहां पर टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इसके बराबर हो गया इसको मैं सॉल्व कर दूंगा टेंट थीटा के लिए आंसर आ जाएगा मेरा ए ऑप्शन पर ये बड़ा पड़ेगा हो सकता है ऐसे जरूर हो सकता है ठीक है पर ये डायरेक्शन दिमाग में रखनी है आपको डायरेक्शन दिमाग में जरूर होनी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ट्रिपलेट ना मिले और ट्रिपलेट नहीं मिलेगा तो आपको ये इसी तरीके से बनाना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड सभी को क्लियर होंगे ठीक है अब देखिए कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने माइनस थ्री कैसे कर दिया एक आध बच्चा ही ने ये बोला कि सर ये माइनस थ्री कैसे कर दिया भाई एक लॉजिकल बात समझिए मेरे को इसमें कुछ जोड़ना है और ये वन बाय फाइव लाना है ठीक है और मुझे ये पता है कि नीचे यहाँ पर पाँच ही आएगा ये भी पता है यहाँ पर भी पाँच आएगा है ना अब अगर मैं बोलूँ आपसे ट्रिपलेट आपको पता है आप कहेंगे हाँ सर मुझे पता है 4 और 3। चार और तीन मैं कहूँगा आप यहाँ चार रखिए और यहाँ तीन रखिए क्या एक बटा पांच आ सकता है नहीं आ सकता तो मैं बोलूंगा कैसे आ सकता है आप कहेंगे सर माइनस लगा दो इसमें आ जाएगा तो भाई मैंने भी तो यही बोला इसके अंदर माइनस लगा दो यानी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस थ्री बाय फाइव साइन थीटा की वैल्यू फोर बाय फाइव सॉल्व करेंगे वन बाय फाइव आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू माइनस फोर बाय थ्री हो जाएगी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये अच्छा क्वेश्चन है काफी भाई फोर में अगर माइनस लगाएंगे तो वन बाय फाइव कहां से आएगा लॉजिकल बात सोचिए खुद फोर में अगर आपने माइनस लगा दिया थ्री के अंदर प्लस लगा दिया तो माइनस वन आएगा प्लस वन नहीं आएगा आइए देखते हैं ध्यान से देखिएगा हमने ये पढ़ा देखिए हमने ये पढ़ा कि टेन ए कॉट बी देखिए टेन नाइन और इसे मैं क्या लिख सकता हूं इसे मैं कॉट नाइन लिख सकता हूं माइनस इसे मैं क्या ले सकता हूं टेन सॉट सत्त, सत्ताइस टेन सत्ताइस प्लस कॉट सत्ताइस इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले ठीक है ध्यान से देखिएगा इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया अब मैंने ना आपको एक फॉर्मूला बता रखा है अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो ये बहुत आराम से हो जाएगा मैंने हमेशा से आपको बोला कि भाई ये ये प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह यूज होगी टेन थीटा प्लस कॉट ठीटा इक्वल टू टू अपॉन साइन टू थीटा सीधा ध्यान रखना है ठीक है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं दो बटे साइन अट्ठारह इसे कैसे लिख सकता हूं दो बटे साइन चौवन अब मैंने क्या करा दो कोमल ले लिया क्या बचा साइन चौवन माइनस साइन अट्ठारह अपॉन साइन अट्ठारह साइन चौवन ठीक है साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू चौवन और अठारह बहत्तर बहत्तर बटे दो यानी छत्तीस इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू साइन चौवन में से अठारह गया छत्तीस बचा छत्तीस बटा दो यानी अठारह आ गया ठीक है और नीचे क्या है नीचे साइन अठारह है और साइन चौवन है अब ध्यान से देखिएगा अब आप देखिए अठारह चौवन छत्तीस सबका इस्तेमाल तो हो रहा है पर उनकी वैल्यू नहीं डलेगी साइन अट्ठारह से साइन अट्ठारह गया साइन ए कॉस बी के बराबर होता है अगर ए प्लस बी नाइनटी है तो आंसर कितना आ गया आंसर आपका दो आ गया यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए ए ए ए ए ए ए कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है एक बच्चा कह रहा है सर फोर होगा एक सेकेंड देख लेते हैं जरा टू 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 बिल्कुल भाई ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंसर फोर ही आएगा टू नहीं आएगा क्योंकि ये वाला टू तो मैंने लगाया ही नहीं इसके अंदर ये जो ये वाला था तो इसलिए टू इंटू टू कर देंगे फोर आंसर होगा सी ऑप्शन आंसर आएगा है ना सही कर देता हूं मैं इसे रुक जाइए ये क्या आंसर आएगा आपका फोर आंसर आएगा यानी सी ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये वाला टू मैंने देखा ही नहीं ये वाला टू लिख दिया डायरेक्ट तो टू टू जो फोर आंसर आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देखिए समझ क्या नहीं आया इसमें अब आप पुरानी चीजें अगर याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी कुछ भी नया यूज नहीं किया मैंने इसके अंदर जो मैंने नया यूज किया वो मैंने यहाँ लिख दिया अब आपको अगर ये समझ ना आया हो कि टेन एटी वन कोट नाइन के बराबर है तो इसमें आपकी गलती है भाई इसमें मेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि ये तो मैं हजार बार बता चुका हूँ यार कितनी बार बताऊं कि साइन ए कॉस बी के बराबर होता है जब एंगल का सम नब्बे करो तो टेन ए कोर्ट बी के बराबर होता है जब एंगल का सम नब्बे करो तो टेन एटी वन किसके बराबर होगा टेन नाइन कोर्ट नाइन के बराबर होगा यहाँ पर लिख दिया टेन सिक्स किसके बराबर होगा कोर्ट सत्ताईस के बराबर होगा मैंने यहाँ लिख दिया उसके बाद तो ये फॉर्मला ही लगाया है और उसके बाद क्या नया किया है दो कॉमन ले लिया ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया साइन ए माइनस साइन बी का ये भी फॉर्मूला मैंने नया नहीं लगाया ये भी मैंने पहले लगा रखा है तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर जो समझ ना आए ठीक है कुछ भी नहीं है ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है B प्लस ए आपका B प्लस सी ए के बराबर है टेन a की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर मैं एक बात बोलता हूं आपसे c की वैल्यू हो गई ए माइनस बी ठीक है a माइनस बी अगर मैं टेन सी निकालता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी ये फॉर्मूला हो जाता है ठीक है तो यानी टेन सी किसके बराबर आ गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टू अपॉन टू कैसे आ गया कुछ बच्चे ये सोचेंगे मैं कहूंगा कि भाई टेन टैन ए टेन बी क्या होता है वन होता है कब जब ए प्लस बी पाई बाई टू होता है तो ये टू आ गया तो मैं लिख सकता हूं टू टेन सी प्लस टेन बी बराबर आएगा किसके टेन ए के तो यही मेरे को निकालना था टू टेन सी प्लस टेन बी यानी सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा सी 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 चलिए उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ते हैं आगे टेन ए प्लस टेन बी नहीं मेरे भाई टेन टैन एट टेन बी वन होगा अगर ए प्लस बी नब्बे है तो टेन टैन एट टेन बी वन होता है प्रोडक्ट वन होता है सम वन नहीं होता इसका ठीक है चलिए बहुत बढ़िया देखिए अच्छा क्वेश्चन है, है ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सेम टू सेम लगकर आ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल सीधा सीधा उतर के तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे और मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ही क्लास में ठीक है आपको चाहे ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन नहीं आ सकता ये क्वेश्चन ऊपर के लेवल का हो गया पर सब करके जाना जरूरी है ठीक है कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है पर मेन बात पता है क्या अब जैसे यहाँ तो मैंने लिख लिख के आपको इतना डिटेल में बताया अब मैं क्वेश्चन अगर करके गया हूँ एग्जाम तो देखिए मैं कैसे करूंगा मैंने देखा कि टेन सी किसके बराबर होगा टेन सी बराबर होगा टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए टेन बी यानी टू तो टू यहाँ पर आ गया मैंने टू यहाँ लिख दिया तो टेन ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ आ जाएगा टू टेन सी प्लस टेन बी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आंसर हो गया केवल एक स्टेप में सोल्यूशन के लिए मैं ये करूंगा यहाँ तो मैं आपको आराम आराम से चला चला के दिखा रहा हूँ एक एक चीज बता रहा हूँ पर आपको ऐसा करना नहीं है ये टेन टेन लिखा हुआ आपको लग तो बहुत अच्छा रहा है अब आप ये देखिए अगर आप लगातार इसे टेन टेन करके करते हैं तो कितनी बार टेन लिखना पड़ा कितने अल्फाबेट एक्स्ट्रा लिखने पड़े दो दो चार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह दूनी चौबीस चौबीस अल्फाबेट एक्स्ट्रा लिखे बेमतलब में कोई तुक नहीं है उनका टेन की जगह टी भी लग जाता तो कॉमन सेंस ही मैं पहले से घर पे काम करके गया हूं तो मेरा बहुत सारा समय बच सकता था उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई है ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नीचे टू कैसे आया भाई टेन टैन ए टेन बी की वैल्यू डाल दो जो कि वन है ये बताइए ना नीचे टू आ जाएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एक सेकंड हो जाइए मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में कॉस क्यूब थीटा टाइन थ्री थीटा मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन दोबारा से लिखूंगा कॉस क्यूब थीटा ठीक है साइन थ्री थीटा माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस थ्री थीटा ये क्वेश्चन है आपका ठीक है ये क्वेश्चन है आपका आइए देखते हैं अब मैं देखता हूं ध्यान से कॉस क्यूब थीटा एक सेकेंड कॉस क्यूब थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ठीक है प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री कॉस थीटा है ना ये लिख दिया मैंने ध्यान से देखिएगास क्यूब थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है है ना बचेगा क्या केवल ये वाली दो टर्म और इसके साथ ये वाली मल्टीप्लाई में ये बचेगी अब मैं इन दोनों में देखता हूं तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है थ्री के साथ थ्री के साथ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या हो गया कॉस टू थीटा हो गया ये कॉस टू थीटा है ये साइन टू थीटा है थ्री साइन टू कॉस टू अपॉन टू ठीक है ऐसे मैं लिख सकता हूं ध्यान से देखिए साइन टू अपॉन टू लिखा है मैंने इसे इसे कॉस टू लिखा है अब साइन टू कॉस टू को आप कैसे लिख सकते हैं साइन फोर अपॉन टू इंटू टू तो ये कितना आ गया थ्री बाय फोर साइन फोर थीटा थ्री बाय फोर साइन फोर थीटा कहां पर है बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एम जी टाइप करिए जल्दी से एक बच्चा पूछ रहा है सर पिछले क्वेश्चन में b इक्व टू ए माइनस सी से होगा या नहीं होगा ध्यान से देखिएगा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पिछले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन में b इक्व टू ए माइनस सी से होगा या नहीं होगा ठीक है आप एक बात ध्यान से देखिए मैंने c इक्व टू ए माइनस बी ही क्यों लिया कोई लॉजिक रहा होगा उसके पीछे है ना अगर आप ये बी इक्व टू लेते हैं ध्यान से समझिएगा टेन का फॉर्मूला लगाते हैं क्या आपको टेन ए टेन सी की जानकारी है क्या आपको टेन ए टेन सी की जानकारी है तो इसके लिए आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं आपको खुद पता होना चाहिए क्योंकि ये दे रखा है टेन ए और बी के बीच में तो मेरे को टेन ए टेन भी निकाल सकता हूं मैं मैं ए और सी नहीं निकाल सकता ठीक है ए और सी एक अननोन वेरिएबल आ जाएगा जिससे मैं आंसर नहीं प्रोसीड कर पाऊंगा ठीक है इसलिए उससे आंसर नहीं आएगा ठीक है अब आते हैं इस पे इसको मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं ध्यान से देखिएगा सभी लोग अगर मैं कॉस क्यूब थी कॉमन लेता हूं इसमें से साइन का वैल्यू रखा साइन क्यूब लेता हूं कॉस का वैल्यू रखा अब मैंने ये देखा ऑब्जर्व करना सीखिए ऐसा नहीं कि आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं एक एक करके चार वो दिख रहे हैं आपको फिर काट रहे हैं आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए ये कॉस क्यूब ये साइन क्यूब ये कॉस क्यूब ये साइन क्यूब ये फोर ये भी फोर ये माइनस का ये प्लस का कट गया बचा क्या ये इसके साथ बचा ये इसके साथ बचा अब इसमें भी साइन कॉस आ रहा है इसमें भी कॉस साइन आ रहा है इसमें भी थ्री आ रहा है इसमें भी थ्री आ रहा है मैंने कॉमन ले लिया ये लिख दिया मैंने को कैसे लिखते हैं साइन टू अपॉन टू साइन कॉस को कैसे लिखते हैं साइन टू यानी इसका दुगना अपॉन टू तो थ्री बाय फोर हो गया साइन फोर हो गया आंसर आ गया ठीक है उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ठीक है ये शायद एग्जाम का ही क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं वन माइनस कॉस टू ए इसे आप कैसे लिख सकते हैं 1 cos 2a अलग से देखना चाहिए ये अलग से देखना चाहिए मुझे अलग-अलग दिखते हैं तो मैं इसे कैसे लिखता 2 sin² a plus sin 2a को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 sin a cos a ऐसे में नीचे वाले को लिखता हूं 2 cos² a 2 sin a cos a ठीक है अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भाई ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से क्या क्या चीज कट सकती है ऊपर वाले में से टू और नीचे वाले में से टू कट गया ये सब कट गया ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं साइन ए अंदर क्या बचेगा साइन प्लस नीचे वाले में से क्या ले सकते हैं कॉस ए अंदर क्या बचेगा कॉस प्लस साइन आंसर कितना आ जाएगा टेन टेन कहां पर है यहां पर है ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा लिखने का तरीका देखिए आप ये साइन स्क्वायर आपको समझाने के लिए लिखा गया है केवल और जिससे कि आप आगे वाला आसानी से समझ पाए केवल इतना लिखा मैंने और मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिखता तो मैं इसे भी सी और सी स्क्वायर ए इसे भी एस स्क्वायर ए करके लिखता कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है जल्दी से एम जी टाइप करिए जल्दी से फिर बढ़ेंगे आगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई ठीक है तो बहुत सिंपल सिंपल इसके अंदर फॉर्मूले हमने लगाए कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही बहुत शानदार क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन और कोई रीजन है इसके पीछे इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है मैं रीजन बताता हूं अभी आपको आइए देखते कॉस थ्री थीटा का आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये आपको फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा ये आपने सभी ने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा कॉस थ्री थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूं मैंने बताया था एग्जामिनर हर बार ये ऐसे नहीं पूछेगा इसे ऐसे भी पूछ सकता है ये कितना आ गया फोर कॉस थीटा ठीक है माइनस थ्री इसको उसने ऐसे देख लिया अब जिसने ये चीज देख रखी है वो ये चीज पकड़ सकता है देखिए ध्यान से लिखा है ना 4 कॉस थीटा माइनस थ्री लिखा है यहां पर तो इसका मतलब क्या हो गया कॉस 3 थीटा यानी कॉस सत्ताइस अपॉन कॉस 9। इसका मतलब क्या हो गया कॉस इक्यासी अपॉन कॉस सत्ताइस यही मतलब हो गया ठीक है अब कॉस सत्ताइस सत्ता इक्यासी किसके बराबर होता है साइन नाइन के साइन नाइन 9 टेन नाइन मेरा आंसर आ गया टेन नाइन डिग्री कहां पर है यहां पर है ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया ठीक है अगर ये पता ये थोड़ी लिखना एग्जाम में एग्जाम में केवल ये लिखना है इतने में आंसर आ जाएगा ठीक है कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है देखिए कुछ भी नहीं किया हमने कॉस सी थीटा का फॉर्मला आपको ये पता है जरूरी नहीं है ये फॉर्मला हमेशा इसी तरीके से लगे मैंने आपको ये भी बताया था ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरीके से लगे इसी को एग्जामिनर कैसे दे सकता है इसी को वो ऐसे भी बना सकता है मैंने ये भी बताया था तो खाली उसके लिए नहीं इसके लिए भी तैयार रहिए हो सकता है इसी के अंदर वो बोल देता टू कॉस नाइन डिग्री माइनस थ्री टू कॉस सत्ताइस डिग्री माइनस थ्री टू कॉस नाइन डिग्री प्लस थ्री टू कॉस सत्ताइस डिग्री प्लस थ्री इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी बना देना बना सकता है ठीक है तो इस चीज पे ध्यान देना आपको लगातार उसके बाद तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए जहां भी ऐसा है थ्री थीटा यानी सत्ताइस हो गया नीचे थीटा या नाइन इसी तरीके से यहाँ एटी वन हो गया यहाँ आ गया नाइन सत्ताईस अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है डेफिनेटली मिल सकता है ठीक है अगर मैं पहली और आखिरी टर्म को लेता हूं और बीच वाली दो को अब आप में से काफी बच्चे कहेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि पहली और आखिरी को लेना है बीच में वाली दो को लेना है मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इसका 10 डिग्री इसका 50 डिग्री मिला के साठ है इसका 20 और 40 मिला के साठ है मैंने ये देख के दो टर्म ली है मैंने पहला और आखिरी नहीं देखा हो सकता है कि क्वेश्चन में ये लिखा होता है साइन दस साइन चालीस साइन पचास साइन बीस ठीक है तो भी मैं क्या करता तो भी मैं क्या करता? तो भी मैं मैं क्या क्या करता करता इसको इसको लेता और इसको, इसको इसको लेता मैंने ये नहीं बोला कि पहली और आखिरी लेनी है मैंने देखा जिन दो में एंगल सेम बन जाएगा क्योंकि एंगल अगर सेम बन जाएगा 60 डिग्री वाला तो मुझे पता वो पार्ट में कॉमन ले सकता हूं इसलिए मैंने इन दोनों को लिया तो साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मला क्या आएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू टू मैंने बाहर ले लिया पचास और दस साठ बटे दो यानी तीस डिग्री प्लस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटूस ए माइनस बी बाय टू पचास माइनस दस चालीस बटा दो यानी बीस डिग्री प्लस साइन ट्वेंटी प्लस साइन फोर्टी तो टू तो कॉमन है साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कितना हो गया ये हो गया आपका तीस डिग्री इंटू कॉस कितना आएगा चालीस माइनस बीस ठीक है चालीस माइनस बीस कितना हो गया चालीस माइनस बीस हो गया बीस बीस बटा दो यानी दस डिग्री तो मैंने ये लिख दिया साइन थर्टी अगर मैं कॉमन लेता हूं वन बाय टू वन बाई टू टू से कट जाएगा बचा क्या कॉस बीस प्लस कॉस दस है ना कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई देखिए ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा अभी मैंने ऑप्शन मार्क नहीं करा पर ये आंसर आ गया है कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए जल्दी से फिर बढ़ेंगे आगे साइन थर्टी कैसे भाई साइन दस और साइन पचास एड करेंगे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्म में लगाएंगे साइन ए प्लस बी बाई टू पचास प्लस दस साठ साठ बटे दो ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं अब देखिए अलग अलग तरीके का एग्जामिनर है एक एग्जामिनर ये डायरेक्ट दे देगा ऑप्शन में दूसरा एग्जामिनर क्या करेगा इसको ऐसे ही दिया, इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया कॉस दस किसके बराबर होता है साइन अस्सी के ठीक है दूसरे एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया। तीसरे एग्जामिनर ने क्या करा? इसे कन्वर्ट कर दिया साइन सत्तर इसे ऐसे ही रहने दिया कॉस दस चौथे एग्जामिनर ने क्या करा आगे वाला भी कन्वर्ट कर दिया और पीछे वाला भी कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया चौथे एग्जामिनर द्वारा बनाया गया यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ये ठीक है आंसर ये आया था ये डायरेक्ट भी मिल सकता है कोई एक वैल्यू कन्वर्ट भी हो सकती है दोनों में से या तो आगे वाली या ये वाली ठीक है या दोनों भी कन्वर्ट हो सकती हैं तो दोनों कन्वर्ट करके उसने आंसर दिया यहाँ पर ठीक है कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए देखिए मैंने एक एक चीज बताई है आपको यहाँ पर खाली सोल्यूशन नहीं बनवाया एग्जामिनर की सोच बताइए एग्जामिनर ये सब चीजें रखता है जब आप घर पे भी क्वेश्चन करते हैं ना आपको ऑब्जर्व होती हैं सब चीज़ें पर क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं आप इतने चीजें दिमाग में नहीं लेते हैं आप ये नहीं देखते कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या चल रही है आपको देखिए होता भी है ऐसा मेरे टाइम में ये था कि मैं पैशनेट बहुत ज्यादा था तो मुझे इस चीज पे खास ध्यान रहता था कि एग्जामिनर बदलाव कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के ला सकता है मैं इस चीज पे जरूर ध्यान देता था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ध्यान से देखिएगा ठीक है देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं किया मैंने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मला लगाया है और अगर फॉर्मले याद नहीं है तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है और मैं बार बार फॉर्मले लिखूंगा नहीं मैं क्यों लिखूं भाई फॉर्मले बार बार बताइए अगर मैं फॉर्मले ही लिखते रहूंगा तो आगे के क्वेश्चन कैसे कराऊंगा चार सौ क्वेश्चन कराने हैं मेरे को पूरे साल का वक्त थोड़ी है आपका एग्जाम भी आ रहा है ठीक है तो वो चीज भी ध्यान में रखिए फॉर्मले की आपकी जिम्मेदारी है फॉर्म की मेरी जिम्मेदारी नहीं है गिनती के ये आठ फॉर्मले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आठ फॉर्मले आप किसी भी दिन बैठ के अपने लिए बीस मिनट निकाल लो अपने आप लर्न हो जाएंगे आठ फॉर्मले बार बार लिख लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये ध्यान से देखिए आठ फॉर्मले भाई साइन देखिए ए प्लस बी कंबाइन ब्रैकेट के अंदर और ए प्लस बी माइनस के अंदर ठीक है दो फॉर्मले साइन के दो कॉस के और ऐसे ही चार फॉर्मले बनते हैं साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी आइए देखते हैं देखिए इसे अगर आप बिल्कुल समझदारी से देखें तो आंसर सीधा नजर आ रहा है इसमें ठीक है कैसे अगर मैं इसे लिखता हूं टेन टू माइनस टेन वन अपॉन वन माइनस टेन टू टेन वन वन प्लस इन टू मैं इसे लिख सकता हूं टेन टू प्लस टेन वन अपॉन वन माइनस टेन टू टेन वन लिख सकता हूँ ना बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसे इसे मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ किसका फॉर्मूला है टेन टू माइनस टेन वन यानी टेन वन का ये किसका है टेन थ्री का तो टेन वन और टेन थ्री मेरा आंसर हो जाएगा कहाँ पर है बी ऑप्शन में है बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया अब आप ये देखिए इसी क्वेश्चन को कितना सिंपल बना दिया हमने और कोई ट्रिक लगा के नहीं अपनी आदत बदल के मैंने टेन टेन पूरा पूरा नहीं लिखा ना टेन लिखा पूरा ना ए लिखा आगे ठीक है अब आप देखिए कितना अल्फाबेट बचा है मैंने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस इंटू थ्री क्योंकि हर एक में मैंने तीन अल्फाबेट बचाए हैं ए एन और ए ए एन और ए, 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 ए तो थर्टी अल्फाबैट बचाया मैंने थर्टी अल्फाबेट का मतलब है दस सेकंड तो मैंने अपनी आदत बदल के बचा ली इसमें जब मैंने कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाई ठीक है तो अपनाइए चीजों को आप ही के लिए देखिए हमने भी कोशिश करी अपने टाइम में जरूर और सफल भी हुए इस चीज को लेके क्योंकि यार एक बार बताओ हमें एग्जामिनर को पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखाना एग्जामिनर को एबीसीडी से मतलब है अब अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा ये किसी किताबों में नहीं लिखा कि आपको टेन की जगह टी लिखना है ठीक है कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एमजी टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये अब देखिए अगर आपने कल की क्लास करी हो आपको मेरी कल की बात ध्यान हो तो ये बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो कैसे आइए बताता हूं मैंने आपको बोला था अगर a की वैल्यू 1/10 a की वैल्यू 1/2 10 b की वैल्यू 1/3 है तो a b कितना आता है 45 बताया था ना मैंने एक क्वेश्चन आया था जब नकिे काफी जगह यूज होगा यार ये इसलिए बताया था ए प्लस बी अगर फोर्टी फाइव है तो टू ए प्लस टू बी कितना होगा नाइनटी डिग्री हो जाएगा है ना? बिल्कुल होगा। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो एक का दूसरे के साइन के बराबर होगा दूसरा कौन सा ये साइन टू बी पर है बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा कुछ भी नहीं किया मैंने कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये एक सेकेंड मैं देख लेता हूं साइन ए कॉस टू ए कॉस ए साइन टू ए वन बाय टू वन बाय थ्री साइन थ्री ए मेरे को निकालना है ठीक है आइए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे हैं जिसमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दे रखा है हम क्या करते हैं इसमें स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं अगर ध्यान हो तो स्क्वायर एंड एड मैं स्क्वायरिंग और एडिंग करता हूं मैं लिखूंगा नहीं पूरा मैं सीधा देखूंगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्न कॉस स्क्वायर टू ए साइन स्क्वायर टू ए वन प्लस टू क्या आएगा साइन ए कॉस टू ए साइन ए कॉस टू ए प्लस कॉस ए साइन टू ए किसके बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा एक बटा चार और एक बटा नौ एक बटा चार और एक बटा नौ कितना हो गया तेरह बटा छत्तीस हो गया ये लिख दिया मैंने अब मैंने देखा ये कितना हो गया टू साइन थ्री ए हो गया तेरह बटे छत्तीस माइनस दो 13 में से 72 किया तो 59 आ गया -59 नीचे कितना आ गया 36 और मैं 2 को नीचे ले आता हूं तो कितना आ जाएगा -59/72 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा अब देखिए जगह-जगह साइन कॉस पूरा-पूरा नहीं लिखना है केवल इतना इतना मेरा इससे भी काम चल जाता अगर मैं a की जगह 1 लिखता और cos 2 a की जगह 2 लिखता आप भी कोशिश करिए कोशिश करनी है बस और कुछ नहीं करना कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साइन थ्री ए कैसे भाई देखिए ना फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूं मैं फॉर्मूला याद करिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन थ्री ए आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं अब देखिए मेन बात क्या है एग्जामिनर इस तरीके की ना चलाकी कर सकता है अगर मैं इसे देखूं तो ये ऐसे दिख सकता है ना पर ऐसे दिखता तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता इसलिए एग्जामिनर ने क्या करा उसे काट के लिखा ठीक है उसने इसे काट के लिखा है यानी मैं इसे हटा देता हूं कहीं आपको लगे क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन ये ठीक है, है अब मैं देखता हूं अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं ये कितना है सात पाई बाय अठारह ये कितना है आठ पाई बाय अठारह ठीक है आठ पाई बाय अठारह हो गया इन दोनों का नहीं इन दोनों का ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को अगर मैं सात पाई बाय 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 और इसका सम लेता हूं, दो पाई नो पाई हो गया बाईस स्क्वायर ए प्लस साइंस स्क्वायर बी क्या होता है वन होता है कब जब ए प्लस बी कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है है ना जब नाइन्टी डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइंस स्क्वायर बी वन होता है इन दोनों का सम वन 90 डिग्री आएगा क्योंकि अगर मैं दो से से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता करता हूं, दो करता हूं टू पाई मतलब कितना है? पाई ये एक पाई तो पाई आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है जल्दी से एम टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से चलिए बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया जोड़ी कैसे बनाई भाई जोड़ी नहीं बनाई है आप ये ऑब्जर्व करिए ए प्लस बी नब्बे किसमें आएगा प्रॉपर्टी लगाइए ये सेवन पाई बाई एटीन है अब इसके अंदर अगर मैं इसे देखूं ये एटीन अगर होता तो ऊपर टू होता तो दो और साथ 9 हो जाता नीचे अट्ठारह नौ बटे अठारह यानी एक बटा दो जिसमें एक बटा दो बनेगा पाई के साथ तो आपने देखा इसमें बन जाएगा इसलिए आपने ये वाला पेयर बनाया डिग्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई सिंपल है बिल्कुल सिंपल रखिए इसे इसलिए मैंने ऐसे बताया है थोड़ा सा समय जरूर लगेगा समझने में पर बाद में बढ़िया लगेगा आपको आइए देखते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन सेक एट एक्स माइनस वन सेक फोर एक्स माइनस वन बड़ा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मैं लिखने की कोशिश करता हूं मैं इसे कॉस में कन्वर्ट करता हूं वन माइनस कॉस एट अपॉन कॉस एट ठीक है वन माइनस कॉस फोर अपॉन कॉस फोर ठीक है वन माइनस कॉस टू थीटा का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो क्या फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस फोर यहां पर ऑलरेडी है इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं टू साइन स्क्वेर थीटा कॉस एट यहां पर ऑलरेडी है ये मैंने इस तरीके से लिख दिया ठीक है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखिए बार 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 लगातार लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने कोशिश करा इसे इसी तरीके से लिखने की अगर मैं टू से टू काट देता हूं साइन फोर कॉस फोर मैं यहां ले गया एक साइन में यहां ले जाता हूँ तो साइन टू थीटा यानी साइन एट में लिख सकता हूँ नीचे एट है नीचे टू आ जाएगा और यहाँ क्या बचा ठीक है टू आएगा अब इसी को मैं आगे ले जाता हूँ ध्यान से देखिएगा ये कितना हो गया टेन एट ठीक है अपॉन टू इसको मैं लिखता हूं तो टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा अपॉन साइन स्क्वायर टू थीटा अब अगर मैं काटने की कोशिश करता हूँ देखिए देखिए बड़ा क्वेश्चन भी आसान बन सकता है अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी करी है कितना बन जाएगा ये टेन टू बन जाएगा तो टेन एट अपन टेन टू तो किस में आ रहा है बी ऑप्शन में आ रहा है तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है अब आप अगर देखें ना यहाँ पर कई जगह हमने स्टेप भी स्किप किए हैं कई जगह हमने लिखने में भी कमी करी है आइए देख लेते हैं कितने अल्फाबेट आपने बचाए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है सोलह और ये सत्रह अठारह अट्ठारह दूनी छत्तीस थर्टी सिक्स एल्फाबेट मैंने यहाँ बचाए हैं थर्टी सिक्स एल्फाबेट ठीक है थर्टी सिक्स एल्फाबेट एल्फा का मतलब क्या है इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो क्वेश्चन आपका अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपका 50 सेकंड में होना था तो कम से कम आपने 15 से 20 सेकंड बचा लिए 15 सेकंड 20 सेकंड कम से कम बचाए आपने 36 अल्फाबेट लिखेंगे गिनते गिनते 12 सेकंड 13 सेकंड 14 सेकंड तक लिखा जाएगा तो कोशिश कर सकते हैं और ये दिखने में भी बड़ा नहीं लगता अगर हम इस तरीके से ट्राई मारते हैं तो कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए आइए देख लेते हैं देखिए सेक एट का मतलब क्या होता है वन अपॉन कॉस एट कॉस यहां जाएगा मैंने यहां लिख दिया नीचे वाला कॉस एट आ गया इसे ऐसे लिखा है भाई इसमें कौन सा बड़ी बात है ऐसी लिखा है अब आप ये देखिए कि अगर आपने ये सोच रखा है कि एग्जाम क्लियर करना है आप क्या सोच रहे हैं इसे आप पहले ऐसे लिखेंगे कि वन बाय कॉस एट एक्स माइनस वन की भाई हमारे टीचर ने तो ऐसे कराया था हमें ध्यान है इसका पूरा आता है आता है तो देखिए भाई अपने पास रखे आता है तो आता बहुत बच्चों के पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ाया गया ना आपने पढ़ा क्योंकि आपको मतलब ही समझने से था केवल आप यही करते रहेगा कि ये पहला स्टेप होता है फिर ये दूसरा स्टेप होता है फिर ये तीसरा स्टेप होता है भाई स्टेप समझने जरूरी है पर एग्जीक्यूशन इसी तरीके से होगा अगर मैं पहला स्टेप ये लिखूंगा फिर मैं अगले स्टेप में आता हूँ यहाँ से यहाँ पर फिर उसके बाद मैं इसके बाद यहाँ आता हूँ और पूरा खोल खोल के लिखता हूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहा है आपका फिर स्कूल एग्जामिनेशन बन गया तो आपको समझना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है तो कई स्टेप मैंने यहाँ पर भी स्किप करे हैं अब देखिए स्टेप स्किप कब होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आपको फॉर्म ध्यान होंगे अब मेरे को वन माइनस कॉस टू थी टा फॉर्म लगा नहीं ध्यान और मैंने पहले नहीं लगाया तो यहीं मैं रुक गया और यहीं से मेरा सिलेक्शन निकल लिया ठीक है इसलिए मैं लगातार बार बार आपको शॉर्ट फॉर्म भी सिखा रहा हूं याद करने का तरीका भी बता रहा हूं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कुछ भी नहीं है देखिए इस क्वेश्चन में दोबारा से देखिएगा वीडियो अगर समझ नहीं आती है तो ठीक है क्योंकि अगर बाकी में कुछ चीज होती है ना पूछने वाली तो मैं जरूर बताता आपको ठीक है कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है बहुत सिंपल चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये अच्छा क्वेश्चन है काफी शुक्रिया 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 अब ध्यान से देखिए टेन फाइव थीटा टेन थ्री थीटा टेन टू थीटा अगर मैं टेन फाइव थीटा को देखता हूं ध्यान दीजिएगा मैं लिख सकता हूं टेन थ्री प्लस टू इसे मैं लिख सकता हूं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी है ना बिल्कुल लिख सकता हूं अब मैं इसे अगर यहां लेके जाता हूं तो क्या मिलेगा टेन फाइव माइनस टेन टू टेन थ्री टेन फाइव की वैल्यू कितनी हो गई टेन थ्री प्लस टेन टू ठीक है ये आ गई मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को इसी की वैल्यू निकालनी है देखिए अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा तो इन्हें यहां लाना पड़ेगा और इन्हें यहां लाऊंगा अब लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जर्व करिए तो आएगा ही टेन थ्री माइनस में टेन टू माइनस में बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अब आपको मैं सिखा तो रहा हूं ऐसे जब आप घर पे इसे बिना इसके करेंगे ना अपने आप आपको वैल्यू पता लग जाएगी क्लास में आपको क्या सिखाया जा रहा है ठीक है अब मैंने यहां पर ही देखिए हर एक में तीन अल्फाबेट बचाए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और बारह के बाद स्टेप कटिंग अलग से करी है बारह का मतलब बारह तीय छत्तीस क्योंकि ए एन और थीटा ये मैंने नहीं लिखा है ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मेरे को किसी को समझाना नहीं है आप देखिए आपने भी तैयारी तो बहुत करी होगी बहुत वीडियोस देखी होंगी बहुत बुक्स देखी होंगी पर कहीं पर आपको ये नहीं मिला होगा कि टेन थीटा को टी लिखिए रास्ता आसान हो जाएगा साइन थीटा को एस लिखिए रास्ता आसान हो जाएगा ठीक है तो काफी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में या किसी वीडियोस वगैरह में नहीं होती हैं ठीक है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी और वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा अपना रास्ता आसान करने के लिए खुद निकालता है अब आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी करी भी होंगी कि जिससे आपको लगता है यार इससे मेरा रास्ता आसान हो जाएगा मैं ये अडेप्ट करता हूँ और वो यूनिक हो सकती है हो सकता है बहुत सारे बच्चों से नहीं कर रहे हो आप पूछिए अपने सराउंडिंग में पता लग जाएगा आपको कितने बच्चे टेन को टी लिख रहे हैं साइन को एस लिख रहे हैं पर ये सारी चीज़ें घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे प्रैक्टिस करिए इतना मुश्किल नहीं है मैंने केवल क्या बोला है साइन टेन और कॉस केवल इनकी जगह इस्तेमाल करिए बाकी कुछ है पूरा लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत शानदार क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन ये आने वाले बदलाव पे क्वेश्चन है एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी साइन एक्स साइन सिक्सटी माइनस एक्स साइन सिक्सटी प्लस एक्स इक्व टू वन बाय फोर साइन थ्री एक्स अगर ध्यान हो आपको ठीक है इस पे बेस कल भी क्वेश्चन किया था हमने और मैंने ये भी बोला था जरूरी नहीं है इस पे पूरे पे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए हो सकता है ये दो हिस्से आ जाए हो सकता है ये दो हिस्से आ जाए हो सकता है ये दो हिस्से आ जाए जिनपे क्वेश्चन मिल जाए अब मैं इसे देखता हूं अगर तो मेरे को दो चीज यहां नजर आ रही है ठीक है अगर साइन ट्वेंटी और साइन फोर्टी को आप देखें ये एक्स है तो ये सिक्सटी माइनस एक्स है साठ में से बीस जाएगा तो चालीस आ जाएगा यानी ये दोनों दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर साइन थ्री एक्स थ्री एक्स कितना साइन सिक्सटी डिग्री इनटू क्या हो जाएगा साइन टेन डिग्री ठीक है इनटू क्या हो गया साइन टेन डिग्री हो गया ठीक है तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया अब ध्यान से देखिएगा नीचे क्या आएगा क्योंकि नीचे सिक्सटी प्लस एक्स भी आएगा सिक्सटी प्लस एक्स यानी सिक्सटी प्लस ट्वेंटी साइन एटी अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं मतलब होता है रूट थ्री बाई टू नीचे फोर है तो रूट थ्री बाय साइन एटी किसके बराबर होता है के बराबर होता है ऊपर क्या है साइन टेन तो साइन टेन अपॉन कॉस टेन कितना 10, 10. तो 10, 10 किसकी वैल्यू आ गई जेड की वैल्यू आ गई अब कई बच्चे ना यहां पर भी गलती कर सकते हैं क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है बच्चे को लगता है आंसर आ गया और ऑप्शन में मिल गया सीधा आंसर मार्क कर दिया ऐसा आपको नहीं करना है यहाँ पर आपसे किसकी वैल्यू है? एट जेड की वैल्यू पूछी है। तो यानी एट यहां जाएगा तो आंसर कितना आएगा रूट थ्री टाइम टेन टेन डिग्री तो कौन सा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए साइन टेन यहां पर ही था हमने ये फॉर्मला लगाया x और 60 माइनस एक्स है तो क्या लिख सकते हैं 1 साइन सिक्सटी साइन 80 लिख दिया 4 लिख दिया साइन 60 की वैल्यू डाल दी साइन 80 कॉस 10 के बराबर होता है साइन ए कॉस बी के बराबर होता है जब सब 90 होता है कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने तो साइन अपॉन कॉस हो गया टेन तो ये आंसर आ गया पर ये जेड की वैल्यू है आपको एट जेड निकालना था चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये पी क्यू की वैल्यू बतानी है आपको अब बहुत ध्यान से देखिएगा पी क्यू का मतलब मल्टीप्लाई करना अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा अप टू साइन बीस डिग्री अपॉन ऑन दो ऐसी अगला करता हूं साइन चालीस डिग्री अपॉन ऑन दो ऐसी अगला करता हूं साइन अस्सी डिग्री अपॉन दो नीचे क्या आ गया आठ आ गया ऊपर क्या है साइन बीस अब देखिये ऊपर वाला मैं लिखूंगा नहीं साइन बीस साइन चालीस साइन अस्सी आपको दिख रहा है साइन एक्स सिक्सटी माइनस एक्स सिक्सटी प्लस एक्स किसके बराबर होता है वन बाय फोर साइन थ्री एक्स थ्री एक्स यानी एक्सटी डिग्री तो ये कितना आ गया बत्तीस इंटू दो और ऊपर रूट थ्री तो रूट थ्री बाय बायर मेरा आंसर हो गया डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया आने वाले क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम छपे छपाए मिलेंगे आपको क्योंकि ये इसके एप्लीकेटिव पार्ट पे क्वेश्चन है अभी तक जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखते थे ना आप वो डायरेक्ट आने वाला समय नहीं है अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्योंकि ये मुश्किल नहीं है पर देखे होने चाहिए पहले से कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एम टाइप करिए जल्दी से एक बार दोबारा से देख लेते हैं चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत थी तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू एंगल दुगना कर दिया दस का दुगना बीस नीचे, नीचे, नीचे दो नीचे दो ऐसी अस्सी दो नीचे आठ आ गया अब मैंने देखा साइन एक्स साइन सिक्सटी माइनस एक्स साइन सिक्सटी प्लस एक्स ठीक है नजर आ रहा है ना यहाँ पर तो मैंने लिख दिया वन बाय फोर साइन थ्री एक्स थ्री एक्स यानी बीस का तीन गुना वैल्यू डाली आंसर आ गया डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया ठीक है चलिए तो आज की क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अट्ठारह उन्नीस क्वेश्चन किए हैं जो सफिशेंट है ठीक है आज के लिए तो आज हम इतना ही करेंगे आप सभी लोगों से ये कहूंगा मेहनत करते रहिए चीजों को समझते रहिए जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एक क्वेश्चन पर एक एक चीज बारीकी से समझिए मैं काफी जगह बहुत सारी स्मार्ट वर्क भी कर रहा हूं जो मैं बोल नहीं रहा कि देखो मैंने यहाँ पर ये किया देखो मैंने यहाँ पर ये किया वो महसूस करने वाला पार्ट है कि हमने यहाँ ये स्टेप काटा हमने यहाँ पर ये कम लिखा ठीक है तो वो सारी चीज़ें आपको घर पे भी लगानी है ऐसा नहीं कि केवल क्लास देख रहे हैं जब तक तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपको पर घर पे आप लगा ही नहीं रहे उन्हें क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं लगाएंगे ना पेपर में नहीं लगेगा ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए